हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑन व्हील्स। आज है 12 तारीख 12 फरवरी और अब मैं जाके अपना शूट कर रहा हूँ। एक महीना मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया, कोई काम नहीं किया, आई वॉज रिकवरिंग एंड नाउ आई एम एबल टू वॉक बट नॉट दैट क्लीन। सो मेरी रिकवरी बहुत लंबी चली और लंबी चलेगी आगे भी। तो आज एक महीना और दो दिन मतलब ऑलमोस्ट 32 डेज हो गए, नाउ आई एम अ लिटिल बेटर। इतने दिनों से मैंने एक भी व्लॉग इसीलिए नहीं शूट किया क्योंकि मैं अपने आप को यू नो स्ट्रेस नहीं करना चाहता था। अभी मेरा स्पीच भी काफ़ी अच्छा हो गया एंड आई एम रिकवरिंग अ लिटिल बेटर। आज ही मैंने थोड़े बाल वगैरह काटे और शेव वगैरह किया, सो आई एम अ लिटिल पॉजिटिव ऑन माई रिकवरी। आई थिंक वन मोर मंथ टू गो है यार, रिकवरी इज़ अ लिटिल टू लॉन्ग इन दिस क्योंकि आपको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करना ही पड़ रहा है। मैं आपको थोड़े से वीडियोस इसके बाद दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी किया। सो जैसे मैंने कहा पहले भी मेरे पिछले व्लॉग में, जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, मुझे 10th ऑफ जनवरी को एक स्ट्रोक आया और लेफ्ट साइड पूरा बंद हो गया, नम हो गया। तो अभी मैं यहाँ तक हाथ उठा सकता हूँ और वॉक भी कर सकता हूँ जैसे आपने देखा। अभी भी एंकल मूवमेंट आई नहीं है, नी बेंड हो जाते कभी कभी, एकदम अचानक तरीके से नी बेंड हो जाता है। सो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, चालू है एंड होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक महीना और लगेगा टू बैलेंस माई सेल्फ प्रॉपरली एंड एंकल मूवमेंट एंड द एंटायर पूरा का पूरा क्या बोलते हैं पूरा रिकवरी शुड टेक अबाउट 3 मंथ्स, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ नहीं, 3 मंथ्स फ्रॉम 10th ऑफ जनवरी, तो मार्च के मिड में या एंड ऑफ मार्च में आई थिंक आई शुड कम्प्लीटली रिकवर। सो फिजियोथेरेपी इज 100% कंपल्सरी इन डूइंग द इन रिहैब। धीरे धीरे ये सब यू नो यू लर्न अ लॉट क्योंकि एक हाथ नहीं और एक पैर भी नहीं, उसके साथ आपको ज़िंदगी जीनी है। मेरे जो इनिशियल 10 डेज फ्रॉम मी कमिंग बैक टू माई हाउस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि वी नेवर न्यू दिस न्यू लाइफ स्टाइल हमको किस तरीके से अडॉप्ट करनी है। पार्थवी को भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि मेरा पूरा वज़न उसके ऊपर जा रहा था। आई हैड टू लीन, आई हैड टू ड्रैग माई सेल्फ टू द वॉशरूम। तो पहले खाली मैं खड़ा ही हो सकता था अगर मेरा पिछला वीडियो देखा तो, पर चल नहीं सकता था एकदम कॉन्फिडेंटली। सो वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था, छोटी छोटी चीज़ करने में भी इतनी दिक्कत आ रही थी, आ रही है, बट नाउ माई माइंड इज़ ट्रेंड कि किस तरीके से अपने को हर चैलेंजेस को फेस करना है। जैसे कि अभी मैंने ये एक्सटर्नल माइक मेरे मोबाइल में लगाया, फ़ोन को किस तरीके से चार्ज करना, एक हाथ से सपोर्ट लेके क्या करना है, वो सब चीज़। और अभी मैंने धीरे धीरे ऑनलाइन योगा क्लासेस भी शुरू कर ली हैं, सो दैट यू नो आई एम अ लिटिल बिजी एंड ऑक्यूपाइड और मेरा स्पीच भी खुले, थोड़ा सा लैग लग रहा है। अगर आपको थोड़ा स्पीच स्लो है, विच इज़ प्रॉब्ली 5%, मुझे ऐसा लग रहा है। और इनिशियल 10 डेज में तो ऐसी बैंड बजी थी कि यू नो पूरा देर ऐसे ही स्ट्रेट सोना, टर्न नहीं हो पा रहा, टर्न होके सो तो ये हाथ पीछे रह जाए, ऑल दैट। सो पार्थवी हैज़ कम डाउन विथ मी। आज तकरीबन 32 डेज के बाद मैं नीचे बिल्डिंग में राउंड मारने आया हूँ, नीचे बैठने आया हूँ एंड टू सी माई बाइक एंड माई कार। सो तो वहाँ पे मेरी सिमी है और सिल्वर कलर की, और वो जो चेयर दिख रही है वहाँ पर मेरा बाइक है, सो उसको भी चालू करना है, उसकी मुझे बहुत याद आ रही है। अभी मैं जूम करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है और दूसरा हाथ तो चल नहीं रहा है। सो अभी भी ये हाथ ऐसा ही है, बट आई कैन डू द बाइसेप कर्ल लाइक दिस, बट हाथों में अभी भी जान नहीं है, सो इट विल टेक सम टाइम
हाथ का मूवमेंट नहीं है, एंकल का मूवमेंट शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। डाउन डाउन कर सकता हूँ, ऊपर नहीं कर सकता, ऐसे नीचे नीचे कर सकता हूँ और पैर को आगे पीछे कर सकता हूँ। सो गाइज़, ये था मेरा वीडियो और ये था मेरा पूरा रिकवरी का एक महीने का पूरा मेहनत। सो आई होप ये व्लॉग आपको थोड़ा मोटिवेटिंग और थोड़ा पॉजिटिव लगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये व्लॉग का असली रीज़न ये है कराने का कि यू नो पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विथ स्ट्रोक एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, उनके लिए एक थोड़ा मोटिवेशन है और दिस ऑल्सो गिव्स देम एन आइडिया कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है। सो थोड़े थोड़े वीडियोस मैं एज आई रिकवर मैं डालते रहूँगा। सी आई नो दिस इज़ नॉट एन एंटरटेनिंग वीडियो, बट दिस इज़ जस्ट लाइक यू नो आपका छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के आप ये व्लॉग को एक्सेप्ट करो। एक बार शुरू हो जाएगा मेरा सब नॉर्मल रूटीन, देन वी कैन डू नॉर्मल व्लॉगिंग। अगर आपको मेरे पिछले व्लॉग्स देखने हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। हम लोग अभी कर्नाटका जाके आए, बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स बनाए, तो आपको पता चलेगा कि क्या लेवल के मेरे व्लॉग्स हैं। दो सब्सक्राइबर काउंट्स थोड़े कम हैं क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट नहीं हूँ यूट्यूब पे, पर आई विल ट्राई टू बी अ लिटिल मोर फ्रीक्वेंट ऑन दिस। सो टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, एंड ज़िंदगी का असली मज़ा तो कठिनाइयों में ही है। सो आप कभी हार मत मानो कोई कठिनाइयों से, जस्ट लड़ने की पूरी चेष्टा रखो, बी पॉजिटिव। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।